हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप जानते हैं कि दिवाली बस दो ही दिन बचे हैं, दो तीन दिन, और मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ इको फ्रेंडली दिया बनाया जाए। सो मैं फूल पत्तियाँ जहाँ भी मेरे मतलब सोसाइटी में गार्डन में थे वो सब तोड़ के ले आई हूँ, और मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगा। इस पत्तियों को क्या बोलते हैं आप नाम बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप टेप भी यूज़ कर सकते हो, ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फेविकॉल का ग्लू यूज़ करूँगी और ये वाले पिंक वाले फ्लावर्स। सबसे पहले कैंडल के लिए मैं साइड दे दी हूँ। हम कैंडल यूज़ नहीं करेंगे, हम दिया, और मैं एक आटे का दिया बनाऊँगी। अब हमको ये होल्डर की तरह एक बनाना है, दिया होल्डर। तो मैं वन बाई वन ये लीव्स को लगाते जा रही हूँ। इसको एकदम प्यार से मतलब धीरे धीरे हमको लगाना है ताकि इसके पत्ते टूटे नहीं। और ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगा था। और आप जैसे दिवाली है उस दिन भी आप बना सकते हैं, तुरंत फ्लैश फ्लावर के लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं साइड साइड से अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ ताकि ये एकदम फाइनल लुक टच में आ जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर। और इसमें ये जो हमारे जो फ्लावर्स आते हैं ना सीक्वेंस, जो साड़ी में ड्रेस में लगे रहते हैं, उसको मैं इसमें स्टिक कर दे रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये हो चुका है फाइनल। अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। अब ये गेहूँ का आटा है। मैं सोची कि दिया बनाया जाए, हम लोग नरक चतुर्दश के दिन आटे का दिया बनाते हैं, वो बना लेते हैं हम। चार टाइप के हैं, चारों दिशाओं के लिए है। आप इसको कोई भी दिशाओं में जैसा आपको आता है वैसा बनाइए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं इस टाइप का सिंपल सा बना रही हूँ मैं। और थोड़ा सा मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं दिखा, पेन पेंसिल जो भी दिखा, तो मैं उसे थोड़ा डॉट डॉट दे दी हूँ ताकि थोड़ा डिज़ाइन आ जाए और शेप आ जाए ताकि मैं दिया दे सकूँ। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा शेप दे दी हूँ। थोड़ा सा अजीब बना है बट इट्स ओके। कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। और ये चारों दिशाओं के लिए हो गया। ये दिया मैं लगा दी हूँ। आटे का दिया जलाना भी शुभ माना जाता है, जैसे पूजा करते हैं तो उस पर भी हम आटे के दिया जला सकते हैं, मिट्टी का दिया। और जितना हो सके कैंडल को थोड़ा सा रिफ्यूज़ कीजिए और ये सब यूज़ कीजिए। कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट पे बताइएगा। अब हम सेकंड वाला बनाते हैं जो आपको अच्छा, ये अगर कम अच्छा लगा है तो ये तो बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसको भी सेम हमको यही करना है कि लीव्स लगाते जाना है। और कृपया दिवाली में आप जैसे कि कैंडल वेंडल लाइट्स खरीदते हैं तो वो थोड़ा कम करके आप जैसे कि बाज़ार में दिए के लिए बैठे रहते हैं लेने वाले लोग, तो उनसे लीजिए ताकि उनके भी घर में थोड़ा दिया जल सके। और उनकी कमाई भी उतनी होती नहीं है, थोड़ा बहुत उनसे भी लीजिए और इन्जॉय कीजिए। सबको स्माइल दीजिए इस दिवाली। और ये मेरा रेडी हो गया, ये हमारे फ्लावर भी लग चुके हैं। आप इसको 100% बिल्कुल पसंद करने वाले हैं बिल्कुल। ये देखिए मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और इसको रेडी करती हूँ। और सबसे पहले मैं इसे भगवान जी के पास ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास क्यों नहीं, घर में जो भी चीज़ आता है मैं सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाती हूँ। कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।